मतलब क्लास ट्वेल्व में स्कूल गए नहीं हो विश करना भी भूल गए हो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अभी भी आवाज नहीं आया गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अब ठीक है तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस करियर काउंसिलिंग एंड ओरियंटेशन सेशन ठीक है बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फाउंडेशन ज्वाइन कर चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं और हमारा जो नया बैच रहने वाला है फाउंडेशन का वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका टाइमिंग्स वगैरह क्या रहेगा और इसके साथ साथ वेरियस करियर ऑप्शन भी हम लोग जो है ना आपको बताएंगे कि वेरियस करियर ऑप्शन एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या क्या रह सकता है आफ्टर क्लास ट्वेल्व ठीक है आफ्टर क्लास ट्वेल्व क्या क्या वेरियस करियर ऑप्शन रह सकता है और उसको अपने इवेलुएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स लाइक ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स पैकेज भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हो एकदम ब्लंटली बोलो पढ़ाई क्यों कर कर रहे हो यस yes, exactly, ताकि अच्छा अफोर्ड कितना मिलता है? है? पास परसेंटेज क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है खास करके कोरोना के बाद क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो चुका है तो वो सब हम लोग चर्चा करेंगे राइट एक्साइटेड अच्छा पहले एक बार हम ऑडियंस का पता कर लगा देते हैं ऑडियंस का जिन लोग अभी क्लास ट्वेल्व में हैं हाथ उठाओ दो इन क्लास ट्वेल्व ओके ओके ग्रेट आर पास क्लास ओके सो मिक्स ऑडियंस है दोनों ही प्रकार के ऑडियंस है क्लास ट्वेल्व में है या फिर क्लास ट्वेल्व जस्ट ताजा ताजा पास किए होंगे एक्चुअल में हम लोग जो अपना सेमिनार करते हैं वो क्लास ट्वेल्व के बोर्ड के एग्जाम्स के बाद ही करते हैं और वो होगा क्लास ट्वेल्व बोर्ड के एग्जाम्स के बाद एक बहुत बड़ा सेमिनार होता है

तो आपका तीन दिन कौन कौन सा रहेगा फाउंडेशन का एमडब्ल्यू एफ मंडे वेडनसडे फ्राइडे एमडब्लू एफ ठीक है एमडब्ल्यू एफ आपका चलेगा पहला एक सवा एक महीना एमडब्ल्यू एफ चलेगा यानी तीन दिन और एक दिन में कितना क्लासेस होगा दो तो, टाइमिंग हम आपको बता दे रहे इलेवन फिफ्टीन ए एम इलेवन फिफ्टीन ए एम सवा ग्यारह बजे इकोनॉमिक्स रहा करेगा पूरा प्लान करके ये नतीजे पर पहुंचा गया है कि जिनका बोर्ड एग्जाम्स भी है ना वो भी अगर ये सब क्लासेस कर लें तो उनका बोर्ड एग्जाम्स अच्छा चला जाएगा क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग एक सवा एक महीना में कॉमन पोर्शंस करवाने वाले हैं कॉमन पोर्शंस पोर्शंस ऑफ ऑफ द द फाउंडेशन एंड कॉमन बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स तो एग्जाम्स और फाउंडेशन के जो कॉमन पोर्शंस है पहला एक सवा एक महीना में वही करवाया जाएगा जो बोर्ड्स में भी है फाउंडेशन में भी है ठीक है तो उसमें दो सब्जेक्ट निकल करके आता है एक इकोनॉमिक्स और एक मैथ्स

सर डॉक्टर हम लोग तो सर कॉमर्स वाले बच्चे हैं पीएचडी वाले डॉक्टर है ना डॉक्टरेट साइंस वाला डॉक्टर नहीं है सर पीएचडी कर रखे किस किस में रिसर्च किया मार्केटिंग मार्केटिंग में इन्होंने रिसर्च किया डॉक्टर सर डॉक्टर मोहित शो सर कंपनी uh, सेक्रेटरी दिव्या अग्रवाल मैम ठीक है जानते ही होंगे आप फिर मी माई सेल्फ सीएसीएस मोहित अग्रवाल एंड वी हैव एमबीए एमएससी संजीव पांडे सर ठीक है ये आपको मैथ्स पूरा ऐसे घोल करके बता देंगे तो मतलब आपको दौरा पड़ता था मैथ्स देख करके ठीक हो जाएगा पैनिक अटैक आते थे ना? चक्कर मार के जाते थे तो ठीक कर दिया जाएगा यहाँ पर टेंशन नहीं एंड देन वी हैव सी ए गौरव कावरा सर ठीक है यार एकदम जबरदस्त टीम ऑफ फ्रेंडली फैकल्टीज आपको कोई दिक्कत क्योंकि तो आप लोग एकदम यंग टैलेंटेड और मासूम बच्चे हैं ठीक है पूरा आपको करियर काउंसलिंग में हम लोग सारे कोर्सेज के बारे में बताएंगे ठीक है फिर आपको जो बढ़िया लगे वो आप सिलेक्ट कर लेना मल्टीपल कोर्सेज भी कर सकते हो जरूरी नहीं है कि एक कोर्स करो मल्टीपल कोर्सेज का जमाना है ठीक है और करियर uh, काउंसिलिंग सेमिनार जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें सारे कोर्सेज के बारे में बताएंगे क्लियर है गाइस अपने बारे में आज नहीं बताएंगे कि हम लोग के इंस्टीट्यूट से सारा रैंक्स आता है पता ही है तभी यहाँ पर आए हो बताना पड़ेगा क्या मेरा ऑल रैंक आया हुआ है इनका रैंक थ्री आया हुआ है, सब बताना पड़ेगा क्या नहीं वो सब पता है आज हम लोग अपने बारे में बातचीत नहीं करेंगे अलग अलग कोर्सेज के बारे में बातचीत करेंगे ठीक है अपना दो दो लाइन बोलिए और फिर लास्ट में फिर से मौका मिलेगा जब हम एक बार पूरा प्रेजेंटेशन दिखा देंगे उसके बाद आप लोग और अच्छे से इनको गाइड कर सकेगा राइट पहले आप लोग दो दो शब्द या दो दो लाइन बोलिए बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मैं बस आपको करियर काउंसलिंग के बारे में एक शॉर्ट सी बताऊंगा कभी भी आप जो करियर प्लान करते हैं ना प्लानिंग इज टर्म्स ऑफ टाइम लाइन गिवन टाइम में आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं अगली तो पैसा नहीं कर रहे हैं आप एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक बार जो टाइम निकल जाएगा वापस तो नहीं आता एंड बी के दौरान एंड क्लास ट्वेल्व के बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर रहे हैं बहुत अच्छे स्टार्ट कर चुके हैं सोचा है तभी आप यहाँ पे आए हैं बेस्ट थिंग बस प्रोफेशनल कोर्सेज एक ऐसा ऑप्शन है जो आप बीकॉम के साथ कर सकते हैं बीकॉम के बाद तो तीन साल बाद की जर्नी है बट अभी मार्केट इतना हो गया है स्पेशली आफ्टर कोविड कोई आपको सिर्फ बीकॉम करता हुआ नहीं दिख रहा होगा अभी के लिए जो गलत संगति में बोल सकते हैं आप बिकॉज तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी अगर आप देखने जाए बीकॉम का ऑप्शन बहुत ज्यादा है पैकेज इन कंपैरिजन टू अदर्स बहुत कम एंड प्रोफेशनल ऐसा कोर्स है एंडल बीकॉम के साथ आप आराम से कर पाते हैं सी एस कम्प्लीट किया है मेरा फाइनल देने के लिए थर्ड ईयर तक आइडिया लग गया था कि मैं किस तरफ जाने वाला हूँ आज हम लोग इस सेमिनार में बहुत कुछ बताएंगे जैसे भैया ने बताया बट ये तीन साल बीकॉम के साथ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए कोई मोटिवेशन का दरकार नहीं है कि मोटिवेशन ऑलरेडी हमारे साथ है सक्सेसफुल तो बनना है और सक्सेसफुल बनने का मतलब ये है हम सीरियस बनेंगे और अपने आने वाले तीन साल को प्लान करेंगे और आज के सेमिनार में आपको वही बताया सी ए सी ए सी एमए आप जो भी सिलेक्ट करते हैं बहुत तो जरूरी है और ये तीन साल अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं लाइफ बन जाएगी यानी पेरेंट्स से बोला होगा क्लास टेन एग्जाम दे दे फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर बोला क्लास ट्वेल्व दे दे पढ़ना नहीं पड़ेगा अब तो लग रहा होगा कॉलेज में जाएंगे लाइफ सेट है अभी से मेंस फाइट स्टार्ट हुई है और यहाँ पे अगर आप गिव अप कर जाएंगे काम नहीं बनेगा हम लोग तैयार हैं क्या सुनाई नहीं दिया आप ही रेडी एकदम परफेक्ट गुड आफ्टरनून तो आज का ये दिन बहुत ज्यादा है क्योंकि आज आप लोग जब पूरा हमारा ये सेमिनार ओवर हो जाएगा तो मुझे इतना पता है गारंटी के संग बोल सकती हो कि आपके दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है अपने लाइफ के साथ अभी आप भोले भाले मासूम छोटे छोटे बच्चों कोई आपको वो बोलेगा ये कर लो कोई बोलेगा वो कर लो समझ मार अपने हिसाब से सब आपको मोल्ड करना चाहेंगे लेकिन मैं आपको बता दू जो बेस्ट जज होता है अपने लाइफ का वो खुद आप हो आपको कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता बताने में क्योंकि आपको अपना रियल स्ट्रेंथ पता है आपको अपना रियल वीकनेस पता है मैं तो ये भी इवन पेरेंट्स कैन नॉट यू नो जज इन दिस कि आपको करियर में क्या करना है कौन सा कोर्स चूज करना है यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर एंड आज सारे जितने भी प्रोस एंड कॉन्स है हर एक कोर्सेज के हम लोग सब खोल कर रख देने वाले हैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रहेंगे अब आप जो है डिसीजन लोगे कि क्या करना है, बोला है हम लोग बहुत चार्जअप है यहाँ से समझ ली हम लोग को ये कोर्स करना है फिर दो महीने बाद तीन महीने बाद बोर्ड्स के बाद अरे छोड़ो ना दो तीन महीना बाद सोचेंगे अभी मे टर्म भी तो है फिर सोच लेंगे क्या करना है तो जो भी डिसीजन लोगे उस पर डट के क्या करना अमल करना क्या करना बताओ डट के क्या करना है मैं ये नहीं simple, we, team, तो आपको बस क्या करना है डट के जो भी कोर्स है डिसाइड करो और हमारा हाथ थाम लो और हम लोग आपका नैया लगाएंगे हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बस हमें क्या करना बताओ हार नहीं मानना है करना है और करके दिखाएंगे right. wow. man, well, सबने सब कुछ बोल दिया मुझे बस इतना ही कहना है जितना कुछ अभी बोला गया सिर्फ एक चीज दिमाग में रखेगा पसंद अपनी अपनी चाहत अपनी अपनी सिंपल सा एक ही चीज है अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे अगर सोचते रहोगे कि कल करेंगे कल करेंगे वो कल कभी नहीं आता है बेटा आज को जी लो ये जो समय है ना अगर इसको यूटिलाइज कर लिया तो सक्सेस हंड्रेड परसेंट मिलना है बहुत सारे बच्चे आज ही अगर ऐसा भी सोच है ना अगर ये भी सोच है तो इसको भी सही तरीके से इस्तेमाल करना सही समय पे और मुझे नहीं लगता कि वो राइट टाइम आया है अपना टाइम आएगा लेकिन करियर बनाने के बाद गार्जियन भी फिर सुनेंगे और तुम अपने दिल की भी सुन पाओगे ठीक है बस अच्छे से पढ़ना है और जैसा कि मैम ने बताया सर ने बताया इस चीज की गारंटी देते हैं हम लोग कि जिस कोर्स में भी आप लोग हमारे यहाँ एडमिशन लोगे आपको एक सिंगल पर्सन भी किसी भी चीज को लेके कमी महसूस नहीं और ये मेरा शब्द याद करके रखना जब क्लास करोगे तो आप लोग इस चीज को रियलाइज करोगे कि हम लोग बोलते नहीं है हम लोग सच में करके दिखा थैंक यू गुड इवनिंग एवरी वन बहुत छोटी बात बोलना चाहूंगा आप सबसे पहले बहुत खुश नसीब हो जो आप इंडिया में पैदा हुए इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट थोड़ा अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे क्या आपको पता है 95 परसेंट लोग जितना कमाना चाहिए ना उससे कमी कमाएंगे और लाइफ लॉन्ग अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे क्यों स्किल की कमी है तीन तरह के लोग होते हैं अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड स्किल्ड प्रोफेशनल कोर्स का सबसे बड़ा देन क्या है पता है एक अनस्किल्ड बच्चे को क्या बना देगा स्किल्ड इंडिया में अगर आप टॉप फाइव में पहुंच गए ना आप बेशुमार पैसे बनाओगे ये प्रोफेशनल कोर्सेज आपको टॉप वन परसेंट मिले अगर आप टॉप वन परसेंट में जाते हो यू कैन नॉट जस्ट क्रिएट फॉर्च्यून फॉर योर सेल्फ योर फैमिली हम जितने भी कोर्सेज की बात कर रहे हैं वेदर इट बी सी एस या फिर सी एम या कोई भी तरह का कोर्स आप जो भी परस्यू कर रहे हो ये तो चलो कॉमर्स का एक सेमिनार है कोई आई आई टी जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है सब लोग इक्विवेलेंट है बट इस फेज में आपको यहाँ से चार से पांच साल की मेहनत करनी है लेकिन आप जो अभी अनस्किल्ड हो वो बन जाओगे एकदम से स्किल्ड और उस समय आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि यार हम कहा हैं और बाकी सो यू हैव टेकन अ गुड स्टेप कम से कम आज ना हिम्मत करके सब घर से निकले कि यार एक बार सीखते तो हैं कि अपने क्या नहीं जानते देखे। देखे। so आज आपने अपना फर्स्ट स्टेप लिया है हम भी आपके साथ आपका फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं आप जिस दिन अपना लास्ट स्टेप भी लेंगे ना अपने कोर्स कंप्लीशन में जिंदगी में तो भैया बहुत कुछ अचीव करना है जिस दिन आप कोर्स का भी लास्ट स्टेप लेंगे उस दिन भी हम ही आपके साथ चल रहे होंगे ये मैं करता हूँ बस आपको इतना करना है राह मुश्किल है राह ईजी नहीं है और कुछ भी कुछ भी इजीली मिल जाए ना अब ये और चीज होती है सर सबको ऐसा लगता है ना इजी कोर्स बता दो इजी कोर्स ईजी कोर्स का वैल्यू नहीं होगा जैसे मोहित सर भी बोल रहे थे कि बीकॉम जो है वो हर कोई कर रहा है तो उसकी वैल्यू है पर जो हर कोई नहीं कर रहा है जैसे कई कोर्सेज के बारे में ना अभी आपको सीनियर्स ना थोड़ा सा ऐसे डिमोरलाइज करेंगे मत कर कोई खास नहीं है डायरेक्ट सच बता रहा हूँ जो भी डीमोरलाइज कर रहा है कि अचीवमेंट्स आप एक बार ध्यान रखिएगा कि वो क्या अचीव किए अगर कोई अचीवर है और वो आपको कोई वैल्यू देता है या कुछ बोलता है उसकी बात सुनिए किसी ने अचीव नहीं किया तो हर चीज को टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट दैट्स इट लेट अस बिगिन द प्रेजेंटेशन दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा क्या बताया जाएगा दक्षिणा और और किस में कितना है ओके ध्यान से सुनते जाइएगा ये पी डी एफ जो है ना ये पी डी एफ हम लोग इस सेशन को यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे वहां से आप देख लीजिएगा सारा याद तो नहीं कर सकेंगे अब हाँ जी धूम मचाले जैसा मैंने आपको बताया इट्स हाई टाइम दैट यू नो एनालाइज एंड डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू देखो तुम लोग में दिक्कत क्या है कि तुम लोग को गोल पोस्ट नहीं पता तुम लोग भाग रहे हो कहा वो नहीं पता वही अगर तुम लोग को गोल पोस्ट मिल जाए ना श्योर शॉर्ट गोल है श्योर शॉर्ट गोल है तुम लोग में टैलेंट का कमी है ही नहीं कोई नहीं बोल रहा टैलेंट का कमी है हर एक बच्चा जो बैठा हुआ टैलेंट है yeah, कूट कूट करके टैलेंट भरा हुआ है ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर इक्वली टैलेंटेड इट जस्ट डेट कि तुमको अगर अपना डायरेक्शन मिल जाए तुम सारा एनर्जी उस डायरेक्शन में लगा दोगे और जीत जाओगे डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो तुम अलग अलग डायरेक्शन में अपना एनर्जी को चनालाइज कर रहे हो और वो, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो प्लीज 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 यू हैव टू नो एनालाइज एंड डिसाइड पहले आपको जानना पड़ेगा ना नहीं आप सीधा डिसाइड कर लेंगे हमको ये करना अक्कर बकर बम्बे वो करके भाई साहब यहां पर आइए यहां सामने बड़ा बड़ा ये भाग करके यू आर लेट फॉर द सेमिनार यू आर वेस्टिंग एवरीबॉडीज टाइम प्लीज टेक योर सीट इमीडिएटली थैंक यू तो आप सीधा पहले डिसाइड कर लेंगे क्या स्ट्रेट अवे आप डिसाइड कर लेंगे चलो 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 हम ये वाला कोर्स कर लेते हैं मेजोरिटी मैं बता रहा हूँ सीधा पहले डिसाइड कर लेते हैं फिर हम लोग क्लास में बताते हैं कि जो आप डिसाइड किए ना उसमें ये सब्जेक्ट है बोला तो अच्छा और कितना साल लग जाता है सर <laughs> भगवान ठीक है तो पहले आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा जानना पड़ेगा समझना पड़ेगा और फिर डिसीजन लेना पड़ेगा ओके प्रेजेंटिंग द कोर्स अवेलेबल फॉर यू गाइस देखो एक कोर्स जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये डिफॉल्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट कोर्स है ये डिफॉल्ट कोर्स है ये तो करना ही करना ही है। हम लोग क्लास ट्वेल्व के बाद बात कर रहे हैं कोई अगर बच्चा क्लास टेन वाला भी है भाई दो साल बाद तुम्हारे ये सब कम आएगा दोस्तों देखो बीकॉम ऑब्लिक बीबीए सर दोनों कर सकते हैं क्या नहीं एक ही करना है आपको है ठीक है बीकॉम ऑब्लिक बीबीए क्लास ट्वेल्व के बाद आपको ग्रेजुएशन करना रहता है ठीक है आफ्टर यू पास क्लास ट्वेल्व यू हैव टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन अब वो graduation जो है आपका तीन साल का होता है ठीक है ग्रेजुएशन कितना साल का होता है दोस्तों तीन साल या तो आप बीकॉम कर सकते हैं ये आपको ग्रेजुएशन डिग्री दे देगा बीबीए कर सकते हैं ये भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री प्रोवाइड करेगा अगर आप बीकॉम करते हैं ये प्रॉपर कॉमर्स का ग्रेजुएशन हम बोलते हैं इसको प्रॉपर कॉमर्स का ग्रेजुएशन है इसमें कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट हैं इसमें आपके अकाउंट्स भी है टैक्स भी है मैथ्स भी है ठीक है तो सारे के सारे सारे के सारे जो है आपके यहाँ पर जो है कवर हो जाएंगे सारे के सारे जो है आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे कॉमर्स के जो प्रॉपर हार्ड कोर सब्जेक्ट रहते हैं ठीक है बीबीए इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन मैं पर्सनली बीबीए को जो है ना उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि मेरे को नहीं लगता इससे कोई वैल्यू एडिशन होता लाइफ में और प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप लोग सिलेक्ट करते हैं ना सी या सी या सी उसके साथ साथ बीकॉम हो जाता है मतलब आपको बीकॉम के लिए ना अलग से ट्यूशन लेने का दरकार नहीं पड़ता तो बीकॉम हाईली प्रेफरेबल कोर्स है अच्छा बीबीए करने पर लोग पता है क्या बोलते हैं एक चीज बोलते हैं एमबीए अगर करना है ना आगे क्या करना है तो बीबीए करो शायद उनको लगता है बीए ए कॉमन है इसलिए बोल देते हैं और कोई दूर दूर तक सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि आगे जाकर के ग्रेजुएशन के बाद जब आप एमबीए करते हो ना ग्रेजुएशन के बाद ही हो सकता है एमबीए उसके पहले नहीं हो सकता एमबीए के लिए आपको पहले तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैट कैट देना पड़ता है और एमबीए जो है ना बेटा एमबीए एमबीए जो है वो अलग अलग फील्ड में होता है एमबीए जो है वो अलग अलग फील्ड में होता है

मार्केटिंग अलग है ह्यूमन रिसोर्स अलग है तुमको बीबीए करके कौन से एमबीए का फील्ड में मदद हो रहा है वो नहीं पता लेकिन सुने हैं अच्छा कोई बोलेगा ना बीबीए कर ले एमबीए में फायदा होता है उसे पूछना क्या फायदा होता है बोले नहीं फायदा होता है नहीं क्या फायदा होता है नहीं होता है नहीं नहीं क्या होता है अच्छा ठीक है नहीं होता तो भाई इसमें मतलब मैं तुमको रैदर रिक्वेस्ट नहीं करूंगा ऑर्डर करूंगा तो सोचना ही मत सीधा बीकॉम ठीक है सीधा बीकॉम अब बात है ऑब्वियसॉम करने के साथ बीकॉम तो सभी करेंगे डिफॉल्ट ऑप्शन है क्लास ट्वेल्व के बाद बीकॉम तो सभी करेंगे अब जैसे सब पढ़ रहे हैं तो क्या तुमको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा क्या सर हम इलेवन ट्वेल्थ पढ़े हुए हैं नहीं ना तो वही बीकॉम के साथ है तुमको कोई इंटरव्यूअर पूछेगा तुम क्या किया होगा ना भाई जो मेरा पीओ है वो तो भी बीकॉम पासड है तो फिर क्या फायदा है ये सच है ये फैक्ट है तो बीकॉम so जरूरी है बिल्कुल ग्रेजुएशन करना जरूरी है आप करिए लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स में नहीं आता प्रोफेशनल कोर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन आप ध्यान से सुनिए वी एफ सी वी एफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ठीक है कंपनी सेक्रेटरी सो वी एफ सी ए सी एस सी ए वी एफ एल एल बी बैचलर्स ऑफ लॉ एल एल बी एक कोर्स है ठीक है देन uh, ऑब्वियस uh, बात है

सब कोर्स के बारे में पहले जान लो कि कौन सा कोर्स क्या है ओके okay, तो ये सारे कोर्सेज के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुरियल साइंस भी एक कोर्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारा कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं क्या-क्या बताओ तो लिस्ट हो गया एक तो लंबा सीए सीएस सीएमए सीएफए एफआरएम एमबीए एलएलबी एक्चुअरीज ओके वाओ सर अब मजा आ रहा है ना सारा कोर्स कर लेंगे सर अब बताते जाइए भाई <laughs> मतलब पढ़ते ही रहोगे क्या कमाना चालू नहीं करोगे देखो की वेन एवर ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ना वॉट आर पैरामीटर्स वॉट आर फीचर्स ऑन द पैरामीटर्स पर हम लोग सबसे पहले हर कोर्स का हम लोग क्या जानेंगे बताओ डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स

यूरेशन क्या है कोर्स का कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है सैलरी 90 परसेंट बच्चे सीधा बोल रहे हैं सर ये वाला मैं आओ आप बात बाकी आपका भाई बहन संभाल लेगा आप खाली इसमें आओ ये सब पॉइंट छोड़िए सर एक एक करके आएंगे तभी कुछ देखना पड़ेगा चलो जाओ लेट अस टॉक अबाउट बीकॉम ऑब्लिक हाँ

कॉलेज से प्रोफेशनल कोर्स का कोई लेन देना है क्या बिल्कुल लनन देना नहीं है आई माई सेल्फ हैव डन माई बी कॉम फ्रॉम सेंट कॉलेज ठीक है बट अगर मैं सेंट कॉलेज से नहीं करता कोई और कॉलेज से करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोफेशनल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप लोग एम के पास पढ़ने आए हैं क्यों क्योंकि हम लोग सच सच बताना क्योंकि हम लोग सेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं कि हम लोग सी एस सी ए से हैं सी एस सी ए से प्रोफेशनल से इसलिए आप पढ़ने आए हैं समझ में आया तो बीकॉम या बीबीए में से आपको कोई एक कोर्स करना है, प्रोग्राम है, है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्या इसका बताओ, क्लास क्लास अकाउंट्स टैक्सेशन लॉ बिजनेस फाइनेंस का बेसिक स्किल सीखेंगे कितना साल लगेगा तीन साल आजकल सेमेस्टर होता है हर छह महीना में एक सेमेस्टर होता तो तीन साल मतलब कितना जितना स्कूल में फीस लगता था उससे कमी लगेगा कॉलेज में चिंता का बात नहीं है तो इसका इनसिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है एंड इनसिग्निफिकेंट आर ओ आई भी है मतलब कुछ मिलने वाला, जो तुमको चाहिए, वैसा रिटर्न नहीं मिलने वाला है या तो टाइपिस्ट का जॉब मिल जाएगा या सिक्योरिटी या हाउस कीपिंग मतलब पीओन इस तरीका का ठीक है अनलेस अनलेस आपने कुछ अलग ही लेवल का स्किल अक्वायर कर लिया है तो देखो अगर बंदा में स्किल हो अब जैसे एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर अब बिल बिलगेट्स थोड़ी ना कोई कोर्स कर रखा है मुकेश अंबानी थोड़ी ना कोई कोर्स का रखा है भाई मार्ग जगरबा कॉलेज ड्रॉप आउट है बट दे आर इन द टॉप टेन ना रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड एम तो वो तो अलग लेवल हो गया वो अलग हो गया कि अगर बंदा में स्किल हो अब जैसे मोदी जी वो तो खुद बोलते हैं ना वो चाय बेचते थे वो देश के लीडर है आज होता है भाई बंदा में अगर टैलेंट है क्या वो दुनिया अपने मुठ्ठी में कर सकता है जवाब दीजिए मेरे को बंदा में अगर टैलेंट है क्या वो पूरा दुनिया अपने मुठ्ठी में कर सकता है ये आंसर इज ये सब जो कोर्स में आपको सिखाया जाएगा ये आपका स्किल को डेवलप करेगा जो अंडरस्टैंड

मैं बता दूं इंडियन पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता है आई रिपीट सी एफ एफ आर एम इंडियन पार्लियामेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है दे आर नॉट रिकॉग्नाइज इन इंडिया मतलब दे डू नॉट हैव एनी साइनिंग साइनिंग पावर पावर नहीं है स्टैट्यूटरी पावर नहीं है आर द रिक्नाइज कोर्सेज दे आर रेकोग्इज बाई आवर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दे हैव द स्टैट्यूटरी पावर दे हैव द साइनिंग पावर्स कीमत है साइन का मोदी जी ने बोला था ना सुना ही नहीं है क्या सुना है मोदी जी का लाइन सीए का सिग्नेचर पीएम का सिग्नेचर से ज्यादा पावरफुल है किन लोग सुना था ये वाला बात वेरी गुड कोर्स डिस्क्रिप्शन देखो इट्स वन ऑफ द इट्स वन ऑफ द शार्क टैंक्स में देख लो ऑन्टरप्रिनर अरे देखा था ना दो तीन जन तो सीए ही था ओमन गुप्ता सीए और वो जो फार्मा नमिता था पर सीए पीयूष बंसल के फादर सीए कुछ बोल दिया था उन्होंने मैंने वीडियो बनाया था वायरल हो गया था मोस्ट प्रेस्टीजियस एंड रेकोग्नाइज प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एंड रिकोग्नाइज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट रिकॉग्निशन सर सीए अकेला काफी है क्या हाँ सीए अकेला काफी है

अप्रैल में मैं बोर्ड दिया पांच छह महीना का तैयारी किया पाँच छह महीना ट्यूशन व्यूशन प्रिपेयर हो गए एकदम चीर फाड़ करके और नवंबर दिसंबर में फाउंडेशन क्लियर कर गए समझ में आया सर हो गया सीए बन जाएंगे नहीं तीन लेवल होता है पहला लेवल हो जाएगा फिर सेकंड लेवल एक साल बाद होता है फिर फाइनल लेवल तीन साल बाद होता है जैसे अगर 2022 के नवंबर में फाउंडेशन क्लियर किया तो एक साल बाद बताओ थोड़ा सा टफ है बट कोशिश करो नवंबर बाइस नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से एक साल नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में सेकेंड लेवल रहेगा इंटर ठीक है यहाँ बेसिक कुछ नहीं है सब है रिपीट बेसिक और एडवांस्ड एडवांस्ड मतलब इसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं है बॉस एडवांस स्किल लर्नस इन अकाउंट्स

तीन साल रेगुलर ट्रेनिंग होता है जिसको आर्टिकलशिप बोला जाता है पूरा प्रैक्टिकली आपको ऑफिस में काम किया जाता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है दो लाख से लेकर के ढाई लाख ठीक है टू लाख टू टू लाख फिफ्टी थाउजेंड ट्यूशन का कॉस्ट हटा करके प्रेशर का सैलरी मतलब द मोमेंट यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट द मोमेंट यू बिकम सीए सी द मोमेंट यू बिकम सीए पहला जॉब आपका लगेगा आठ लाख से बारह लाख के बीच में पहला जॉब

फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट मतलब जर्नल लेजर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का एक्सपर्ट है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट है सीएमए इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट ठीक है ये भी मोटा मोटी इसका सिलेबस जो है ना सीए से बहुत ज्यादा मैच करता है आई रिपीट 80 टू 90 सिलेबस सीए और सीएमए का सेम है मैच करता है सर ये भी रिकॉग्नाइज है क्या यस yes, भी एक स्टैंड लोन कोर्स है अकेले कर सकते हो ये भी तुम क्लास ट्वेल्व के बात कर सकते हो जैसे सीए क्लास ट्वेल्व के बात कर सकते हो ना वैसे सीएमए भी क्लास

अब सर कौन सा बेटर है सर वो भी हम लोग को बता दीजिए देखो वो नहीं बताया जा सकता वो नहीं बताया जा सकता ठीक है uh, मेरे समय में सीएमए सी एम ए कोर्स जो है ना उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था लोगों को लोग बोलते ही नहीं थे वो तो हम लोग जब पढ़ाने लगे तब हम लोग इतना प्रचार किए तब लोग अब सी एम ए को जानते हैं तो सी ए का अपना क्राइटेरिया है अपना यू नो प्रोज है सी एम ए का अपने फायदे हैं तो जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है आज का जमाना ऐसा है कि मल्टीपल कोर्सेज लोग साथ में लेकर के चलते हैं ठीक है तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा सी ए सी एम ए तो ऑलमोस्ट क्या हो जा रहा है सेम तो आप नए स्किल कैसे सीखोगे कोई और एक कोर्स कर लो सी एमए से एक कर लो सी ए सी एम ए में से एक कर लो और उसके साथ साथ क्या कर लो सी एस कंपनी सेक्रेटरी कर लो इसमें क्या मिलेगा सर आपको इसमें क्या मिलेगा दोस्तों देखो कंपनी सेक्रेटरी वाले कोर्स में क्या मिलेगा यहां पर सीएस में ये भी एक स्टैंडर्ड लोन कोर्स है जिन लोग को लॉ अच्छा लगता है आई रिपीट जिन लोग को सर लॉ क्या होता है हम लोग को पता ही नहीं है वो जब मेरे से पढ़ोगे तो पता लग जाएगा ठीक है जिन लोग को लॉ अच्छा लगता है उन लोगों को ये अलग कोर्स पक्का से करना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी आज मैं जो देख रहा हूं लास्ट तीन साल से मैं जो देख रहा हूं कंपनी सेक्रेटरी का जो डिमांड बड़ा है बाप रे बाप अनलिमिटेड हर फील्ड में कंपनी सेक्रेटरी को पावर दिया जा रहा है हर फील्ड में बैंकिंग इंडस्ट्री इंश्योरेंस इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड हर फील्ड में सीएस को नए नए पावर्स दिए जा रहे हैं और कंपल्सरी कर दिया जा रहा है तो लास्ट तीन साल में ये एक उभरता सितारा है कंपनी सेक्रेटरी इसका जो ग्रोथ हुआ है अनपैरल ये भी आप तक क्लास ट्वेल्व पास करने के बाद सी कर सकते हो इसमें भी तीन लेवल है यहां फाउंडेशन लेवल को हम लोग ईटी बोलते हैं क्या बोलते बताओ हा? एंट्रेंस टेस्ट क्या बोलो ताकि आप एग्जीक्यूटिव में जा सके एग्जीक्यूटिव इसका सेकेंड लेवल है

अब तीनों लेवल कंप्लीट कर लो उसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर लो और वो जॉब ही आपका दो साल का ट्रेनिंग काउंट होगा तो यहां ये फायदा तो तीन साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता मैं बता CS, CS, में सबसे कौन सा है सीएस तुम सोचो तुम्हारा ग्रेजुएशन के साथ साथ सीएस कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा बीकॉम के साथ साथ सीएस मतलब जब बीकॉम खत्म होगा तुम्हारे हाथ में एक डिग्री होगा सीएस नाम का

तो और और एक चीज मैं बता दूं, सीए का पहला लेवल क्या फाउंडेशन सी फाउंडेशन. ए का पहला लेवल सीएस का पहला लेवल मैं बता दूं. सीए फाउंडेशन में चार पेपर होते हैं जिसमें दो पेपर एमसीक्यू है टिक्की टिक्की जय माता दी और दो पेपर सब्जेक्टिव है पूरा लिखना पड़ेगा दो पेपर एमसीक्यू दो पेपर सब्जेक्टिव समझे क्या समझे किसमें ए फाउंडेशन में दो पेपर एमसीक्यू और दो पेपर सब्जेक्टिव सी एम ए फाउंडेशन में चार पेपर है चारो एमसीक्यू कुछ लिखना नहीं है चारो एमसीक्यू है कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम होता है फाउंडेशन में सारा एमसीक्यू है और एमसीक्यू है तो जाना क्यों है कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम होता है understand? और घर बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं घर बैठे नेक्स्ट क्या है टीएस का पहला लेवल क्या है हा 100 परसेंट एमसीक्यू एग्जाम है और घर बैठे दे सकते हैं 100 परसेंट एमसीक्यू एग्जाम है और आप घर बैठे दे सकते हैं यू अंडरस्टैंड तो मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगा अगर आप सीए या सीएमए कर रहे हैं उसके साथ एक कोर्स पक्का से करें सी लोग बोलेंगे नहीं तुमको किसी को क्या पढ़ा तुमको इतना ज्ञान देने का यू अंडरस्टैंड तो भाई ये तुम्हारा ग्रेजुएशन के साथ साथ एक डिग्री अगर मिल जाएगा ना तो घर वालों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं तो लोग बार बार बोलते रहेंगे अरे तीन चार साल हो गया डिग्री कब मिलेगा तुम झूठ बोल रहे धोखा दे रहा है हम लोग को इतना क्या पढ़ाई कर रहा है तो ये रहा डिग्री आपके लिए ओके नेक्स्ट एलएलबी बहुत सारे बच्चे जब से जॉली एलएलबी देखे हैं वो सपना बना लिए हैं कि हम लोग को भी लॉयर बनना है तो अगर आपको लॉयर बनना है तो उसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा एलएलबी ठीक है ये आप आफ्टर क्लास 12 भी कर सकते हैं बट मैं रेकमेंड करूंगा ग्रेजुएशन की बात करो ठीक है ग्रेजुएशन के बाद आपको दो ही साल करना पड़ेगा ठीक है आफ्टर क्लास 12 5 साल है तो काहे 5 साल करना ग्रेजुएशन 3 साल कर ले फिर एलएलबी कितना साल 2 साल में कंप्लीट एडवांस स्किल्स लीगल एप्टीट्यूड यानी लॉ में आप सीखेंगे ओके तो देखो भाई दो से तीन साल है आ, क्लास ट्वेल्व के बाद पांच साल दस सेमेस्टर और ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो दो से तीन साल जो है आपको लगेगा इसमें इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम है और रिटर्न जो है ना ये फ्रेशर का सैलरी है इसमें रिटर्न का कोई लिमिट नहीं है अब जैसे हिंदुस्तान का टॉप लॉयर में कौन आता है बताओ हरीश सालवे सुना हरीश साल्वे का नाम हा? वो एक एक केस का दस दस करोड़ रुपया चार्ज करता है तो कोई लिमिट नहीं है भाई कोई लिमिट नहीं है फिर आता है एमबीए एमबीए पहला बात ये मिथ क्लियर कर हैं हम क्लास 12 के बाद होता ही नहीं है देखो ये क्या है मतलब कब आफ्टर बीकॉम तो उसके बारे में अभी बात करके कोई फायदा है क्या ये तो वही बात होगी हम क्लास 8 9 वाला बच्चा को बता रहे हैं क्लास 8 वाला बच्चा को बता रहे हैं सीए करना है बोला बाबू 9 10 साइंस बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सीए बोला नहीं समझ में आ रहा क्या बोलेगा तो तो भैया पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है 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 ठीक इसका भी कोई काम नहीं है। तो आपको साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स रखना पड़ेगा प्रोफेशनल कोर्स रखिए और जिन लोग एमबीए प्लान भी कर रहे हैं ना मैं बता रहा हूं प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद इसका कोई दरकार नहीं होता है तुमको सीए सी एम ए सीएस इतना कुछ सिखा देगा जो एमबीए भी नहीं सिखा सकेगा और एम जो है ना ये खाली आई से किया हुआ मैटर करता है और जिसमें एंट्री बहुत टफ है एंट्री बहुत टफ है ऐसे एम बी ए अगर सुनोगे ना मैं बता दू हर एरिया में कोई ना कोई ना इंस्टीट्यूट खुला हुआ है है जो MBA का ये वाला डिग्री दे देता है। और वो खाली शादी कराने काम आएगा और कुछ नहीं वो तुमसे दस पंद्रह लाख रुपया लेगा और तुमको एम बी सर्टिफाई कर देगा जब तुम एम्प्लॉयर के पास आओगे ना वो समझ जाएगा सीवी देख करके एम बी ए कहाँ से किया है ये, ये इंस्टीट्यूट ये सर मेरे घर के बगल में ही था निकाल इसको निकाल तो एम बी ए मैटर करता है कहां से किया हुआ आई आई एम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से Then we have CFA. CFA मैं आपको बता दू जिन लोग को सी एफ ए करने का भूत सवार होता है क्योंकि बहुत जैसे हम लोग जो है हम लोग बता दें हम लोग का इंस्टीट्यूट सारा कोर्सेज देता है सी ए सी एस सी एम ए सी एफ एवरी थिंग ठीक है बट वी डो नॉट डू यू नो मिसिटी ऑफ एनी कोर्स जो है वो है. ये सी एफ ए कोर्स इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है इट इज नॉट रिकोगना ये किन लोग को करना चाहिए पहले एलिजिबिलिटी क्या बताओ फाइनल ईयर में या तो तुम आ चुके हो या फिर क्या हो चुके हो ग्रेजुएट क्लास ट्वेल्व वाला बच्चा ये कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता कुछ लोग तुमको करवा देंगे क्यों बोलो तो तुम लोग तुमको बोल देंगे अभी से ही चालू कर दो कम से कम ट्यूशन तो पढ़ लो भले ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम है तीन साल का कोर्स ले लो अभी से हे भगवान मतलब ये तो वही बात हो गया हम क्लास एट वाला बच्चा को बोल रहे हैं मेरे से सीए पढ़ने आ जाओ तुम लोग के साथ क्लास एट नाइन वाला लोग भी पढ़ रहा है जी 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 इसमें आप रियल वर्ल्ड के स्किल सीखेंगे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का ठीक है कैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं इसमें भी तीन लेवल है इसमें इन्वेस्टमेंट और सैलरी आप जैसा देख सकते हैं ढाई से तीन लाख का इन्वेस्टमेंट है और छह से बारह लाख का सैलरी का रेंज है बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज इन इंडिया एंड इट इज ओनली फॉर द ग्रेजुएट्स ग्रेजुएशन के बाद इसी का एक छोटा भाई है एफ ठीक है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट आई रिपीट एफ का फुल फॉर्म बताओ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट यहां पर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में

चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए चाहे कोरोना वाला क्राइसिस आ जाए आपका फंड सिक्योर्ड रहे वो आपको यहां पर सिखाया जाता है इट इज नॉट रिकॉगनाइज इन इंडिया ठीक है क्लास ट्वेल्व के बाद आप कर तो सकते हो एफ आर एम बट आपके ऊपर से जाएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और इसका कोई वैल्यू आप अपने जीवन में ऐड नहीं कर सकेंगे तो इट इज बेसिकली सुटेबल फॉर क्या बताओ किसके लिए बताओ तो जिन लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल बन चुके हैं और कहीं पर बैंकिंग या इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं तुम्हारा वैसा जॉब प्रोफाइल है कि तुमको रिस्क मैनेज करना है तब तुम वाला कोर्स करो तो बढ़िया दो तो लेवल रहते हैं इसमें। इतना इन्वेस्टमेंट है, है।, अच्छा है।, मतलब, अच्छा है एक भी दिन आज तक गया नहीं है मैथ्स का सम नहीं सॉल्व किया हाथ उठाओ मैथ्स सर आप मत हाथ उठा लीजिएगा ऐसा कोई नहीं है तो एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए इसमें मैथ्स का मतलब पीएचडी कर लोगे तुम अच्छा ये एक्चुअली मैं आपको डरा नहीं रहा हूं ये आपको बता रहा हूं ये क्लास ट्वेल्व के बाद है लेकिन इस इट्स नॉट वर्थ डूइंग इसमें इतने सारे लेवल्स हैं इतने सारे लेवल्स हैं कि लास्ट में जा करके तुम खुद ही छोड़ दोगे और आखिरी लेवल्स बहुत टफ है लास्ट मैं डरा नहीं रहा हूं तुम करो ना मैं मना नहीं कर रहा हूं तुम करो आखिर में फिर तुम खुद छोड़ दोगे और फिर तुम जहां तक पढ़े हो अब तुमको पैसा तो वसूलना है तुम टीचर बन जाओगे और जो जो लेवल तुम पास कर लिए हो वो लोगों को बोलोगे आओ यहां तक पढ़ो मेरे से मेरे को अपना पैसा निकलना है तो एक बार पक्का से देख लेना जो एक्चुअल हम लोग एक्चुअली का कोर्स नहीं करवाते हैं ठीक है जो एक्चुअली पढ़ा रहा है ना पहले एक बार खुद देख लेना वो एक्चुअली है कि नहीं है तुमको दिखाई देगा नहीं है तुमको दिखाई देगा नहीं है उसका भी एक दो लेवल अभी लास्ट का बाकी है ठीक है तो भाई ये मैथ्स का इसमें खाली मैथ्स है और ये इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा पाया जाता है एक्चुअली का इंपोर्टेंस कहां पर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो सर आप सर कौन सा कोर्स करना चाहिए जो एक इंडस्ट्री में काम आए कि सारे इंडस्ट्री में काम आए तो सारे इंडस्ट्री में जो काम आए वो तीन ही कोर्स है भाई सी ए सी एस सी एम ए जो मेरे को पता है सारे इंडस्ट्री में जो काम आता है वो तीन ही कोर्स है सी ए सी एस सी एम ए रेस्ट डिसीजन इज योर्स हमने पूरा जो है डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया है ठीक है? एनी क्वेश्चन बेधड़क होकर के आप अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोलिए सर अभी आप परस्यू कर रहे हैं सीएमए जुलाई में फाउंडेशन है सीएस आप देना चाहते हैं आपका जुलाई में सीएसईडी का एग्जाम होता है आप उस समय दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तीन महीना में प्रिपरेशन हो जाता है। टी e. का जो प्रिपरेशन है आराम से आप तीन महीना में, में कर सकते हैं या एनीवन एल्स मैनेजर उसका कोई कोर्स नहीं होता है वो जब तुम ये फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कर लोगे या सीए कर लोगे हा हेज फंड मैनेजर एक पोजीशन है पोस्ट है

बोलिए ना हाँ हाँ आपका सिक्स सेमेस्टर है हाँ और एक चीज सीए सीएमए और सीएस का पहला लेवल नहीं देना पड़ेगा जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो यार इससे अच्छा है पहला लेवल दे दो तो तीन साल बर्बाद करोगे क्या सी एफ uh, जो है ऐसे भी ग्रेजुएशन के बाद होता है नहीं नहीं थर्ड ईयर में यू कैन नॉट गिव एग्जाम्स थर्ड ईयर में यू कैन स्टार्ट योर ट्यूशन बट है आप इंटर से कर सकते हो ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इंटर से कर सकते हो अगेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जो है ना वो खोलेंगे आप सभी से लाइसेंस लेना पड़ेगा आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में जॉब कर सकते हो और वो जॉब करने के लिए अगेन सी ए कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है सी एफ ए कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बट वी आर टॉकिंग अबाउट दो करके खाली एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में फायदा हो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में तो वो भी एक पैरामीटर होता है हाँ सी एफ ए इज़ नॉट रिकोगनाइज कोर्स इन इंडिया हाँ हाँ बिल्कुल बाहर है लेकिन बाहर से ही आपको फिर सी एफ ए करना चाहिए बाहर से ही करना चाहिए आप यही सोचो ना हम आपको बांग्लादेश का कोई कोर्स यहाँ पर करवा रहे हैं तो नहीं मैटर करेगा ना प्लीज सिट प्लीज सिट अच्छा डायरेक्ट एंट्री फिफ्टी परसेंट लाना पड़ेगा तभी डायरेक्ट एंट्री है ठीक है ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सी एस सी एस सी एम ए कुछ भी कोर्स करते हैं उसमें डायरेक्ट एंट्री में फिफ्टी परसेंट मिनिमम परसेंटेज चाहिए बट पर तीन साल जीवन का बर्बाद कर दोगे यही तो समय है पढ़ने का अभी तो समय है पढ़ने का हाँ जिन लोग डिशन अभी नहीं लेंगे ना उन लोग बाद में बचताएंगे तब तो बोलने के लिए कोई नहीं था ऐसा नहीं हम तीन साल से सेमिनार कर रहे हैं हम लोग तीन साल से सेमिनार कर रहे हैं आप तक पहुंचे नहीं वो हाँ ठीक है चलो और कुछ और कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन कमऑन गाइस बोलो और कोई क्वेश्चन एक दो और पूछो हाँ हाँ डोंट फिल अरे पूछो ना एक तो पूछिए पूछिए पूछिए

हाँ जी बोलिए तो कौन बोल रहा है तुमको सीए में दोनों साथ में करने सीए <laughs> में दोनों साथ में करके उतना लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा क्योंकि एट्टी नाइनटी परसेंट सिलेबस दोनों का सेम ही है स्टॉक मार्केट में कोई कोर्स का खुलना नहीं है स्टॉक मार्केट में स्किल चाहिए मैं आपको बता दूं <laughs> triplew.meplsclasses.com triplew. meplsclasses.com पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर स्किल एनहांसमेंट के कोर्स भी दिखाई देंगे ठीक है ये सब कोर्सेस के अलावा आप टैली सीखना चाहो हम लोग टैली सिखाते हैं ठीक है स्टॉक मार्केट का कोर्स है हम लोग स्टॉक मार्केट का कोर्स करवाते हैं फिर इसके अलावा आपको एमएस ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वो सब सिखाया जाता है जीएसटी सीखना है आपको जीएसटी सुना तो होगा ना तो जीएसटी का कोर्स है इनकम टैक्स सीखना है इनकम टैक्स का कोर्स अलग बनाया हुआ है यू अंडरस्टैंड ये ये देखो हमारा वेबसाइट है क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए दिखा दे रहे हैं नहीं तो नॉर्मली मैं अवॉइड ही करता हूं वेबसाइट का नाम है एमईपीएल डॉट कॉम आप एमईपीएल डॉट कॉम पर जाएंगे आपको यहां पर कोर्स दिखाई देगा कोर्स को सिलेक्ट करिए अभी तो आपका फाउंडेशन या ईटी है ना इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट कोर्स स्टॉक मार्केट दिखाई दिया तो आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है यू स्टॉक मार्केट कोर्स इसके अलावा स्किल एनहसमेंट कोर्सेज है जिसमें देखो क्या क्या सिखाया जाता है टेली एम एस ऑफिस गूगल के कोर्स सिखाए जाते हैं जीएसटी कंप्लायस इनकम टैक्स रिटर्न कॉर्पोरेट सेक्रेटर प्रैक्टिस यानी आर ओसी का कोर्स तो ये सब यहां पर सिखाया जाता है तुमने स्टॉक मार्केट पूछा ये रहा, सारा स्टॉक मार्केट का कोर्स ये रहा।

बिगनर लेवल पर ही आ जाएगा फिर ये प्रो लेवल पर एकदम हाई लेवल है और फिर लेजेंडरी लेवल में देखो हेजिंग वगैरह सब सिखाया जा रहा है हेजिंग करके दिखा दे उनको फ्यूचर ऑप्शन आना चाहिए फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है अरे बाप रे बाप अरे वो वाला फ्यूचर नहीं नहीं प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट नहीं करते हैं फ्यूचर आर आल्सो ट्रेडेड फ्यूचर का भी प्राइस होता है वो फ्यूचर हुआ तो कॉल अपोट गलत है ऑप्शन है तो फ्यूचर बोले तो यहां पर बच्चा बोल रहा है कि सर ये सब छोड़िए सीधा में हेजिंग जो है वो सिखा दीजिए हेजिंग मतलब क्या टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ देआर टू टाइप्स ऑफ रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क हेजिंग करके आप अपने आपको सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों से मैनेज कर सकते हैं तो ये सारे स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हैं ठीक है जैसे एमएचआर सबसे पहले कौन सा कोर्स करना चाहिए एमएचआर वाला कोर्स हाँ जी तो इस तरीके से है आई होप आई हैव answered ऑल योर डाउट्स ओके और हमारा ऐप भी है एमईपीएल क्लासेस क्या ऐप का नाम है इनफैक्ट आपको ना जो आज नोटपैड मिला एक बार नोटपैड निकालिए नोटपैड का जो बैक पोर्शन है उसमें देखो क्यूआर होगा एक तो कोड दिखाई दिया वो क्यू कोड को आप स्कैन करेंगे तो हमारा ऐप जो है ना आप डाउनलोड कर सकेंगे चलो दैट्स इट गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द क्लासरूम नाउ एकदम आग लगा करके पढ़ाई करेंगे ये मेरा गारंटी है एकदम आग लगा करके पढ़ाई करेंगे कोई टेंशन नहीं है तुम लोग ना डाउट पूछते समय ये मत सोचना सिली डाउट तो नहीं है सर डाट तो नहीं देंगे सिली लिली टीली मिली सब डाउट पूछोगे समझ तो आया चलो टेक केयर लॉर्ड्स ऑफ लव बाई